नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। हरियाणा में नहीं होगा साप्ताहिक लॉकडाउन। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें। शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए, आदेश केवल शहरी क्षेत्रों के इलाकों में ही लागू किए जाएंगे। ये बड़ी खबर हरियाणा से है। प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किया है। तो हरियाणा में नहीं होगा साप्ताहिक लॉकडाउन। हरियाणा के शहरी क्षेत्र में सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद होंगी। तो यह आदेश केवल शहरी क्षेत्र के लिए लागू किया जाएगा। हरियाणा में नहीं होगा साप्ताहिक लॉकडाउन। राजस्थान में कोरोना के 557 नए मामले सामने आए। राज्य में 76 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। राज्य में कोरोना के कुल 76,572 संक्रमित हैं। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा हैं एक्टिव मामले। कोरोना से एक से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। क्या बिहार की राजनीति से लालू युग का अंत होने वाला है? राजद के पोस्टर से लालू राबड़ी के गायब होने का आखिर मतलब क्या है? पार्टी औपचारिकताओं को ताक पर रखकर सिर्फ तेजस्वी यादव के स्टाइलिश पोस्टर्स को शहर भर में पाट दिया गया है। राजद भी अब बन चुका है वन मैन आर्मी, और सिवाय तेजस्वी के पार्टी में ना तो किसी का कोई वजूद है और ना ही अहमियत। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिरकार राजद के पोस्टर से लालू राबड़ी गायब क्यों है? सवाल इससे भी बड़ा यह है कि जिले के पार्टी पदाधिकारियों की बात ही छोड़िए, ना तो किसी राष्ट्रीय नेता और ना ही किसी प्रादेशिक नेता को इन पोस्टर्स में स्थान दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार सिर्फ एक अच्छे राजनेता ही नहीं, एक अच्छे समाज सुधारक हैं। उनके द्वारा समाज सुधार के लिए कई अहम कार्य किए गए हैं। ये उन्हीं का संवाहक बनकर सुपौल आए हैं। ये बातें जेडीयू प्रदेश समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नीरज ने कहा है। सुपौल पहुंचे जितेंद्र सिंह नीरज का सुपौल कार्यालय में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कलानंद झा और की अगुवाई में उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। कैमूर जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है। भभुआ के लिच्छवनी भवन में जिला स्तरीय प्रशिक्षण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है आरओ एआरओ मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण। डीएम ने कर्मचारियों को कोरोना काल में चुनाव के दौरान सावधानियों के बारे में बताया। प्रशिक्षण अच्छे से करने के बाद चुनाव कराने की अपील की। चुनाव के दिन कोई परेशानी ना हो इसीलिए। आप देख रहे होंगे कि हमारे बेल के अभियंता हैं, उन अभियंताओं के द्वारा जितने भी हमारे पीआरओ हैं, एईआरओ हैं और मास्टर ट्रेनर्स हैं, उन सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है और मशीन के एक एक पार्ट से, एक एक पहलू से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसी में से जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और अन्य ऑफिसर को ट्रेन करेंगे। इस ट्रेनिंग को हम लोग बेहतर से बेहतर कराएंगे ताकि डाउन द लेवल तक ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से। मुजफ्फरपुर नगर निगम के नए नगर आयुक्त बनाए गए विवेक रंजन मैत्रे। मौजूदा नगर निगम के आयुक्त मनीष कुमार मीणा का तबादला किया गया, जिनका दरभंगा नगर निगम में तबादला किया गया, जिसके बाद आईएएस अधिकारी विवेक रंजन को मिली मुजफ्फरपुर के कायाकल्प की बड़ी बागडोर। इस अवसर पर विवेक रंजन मैत्रे ने तत्कालीन नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा से पदभार लिया और कहा कि स्मार्ट सिटी में शामिल ये शहर की तमाम समस्याओं से निजात दिलाना ही मेरी प्राथमिकता होगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम के पद पर पदभार ग्रहण करने के पश्चात अभी प्राथमिकता रहेगी
जो भीषण बारिश हाल के दिनों में हुई उसकी वजह से जल निकासी की समस्या उत्पन्न हुई, उससे निजात पाना और जैसा और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के में चयनित एक शहर है, तो उसके तहत अनेक परियोजनाएं चल रही हैं, उन सभी परियोजनाओं को असली जामा पहनाना यही मुख्य प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ लॉकडाउन प्रभावी लॉकडाउन हेतु भीड़ शहर पूरे नगर निगम क्षेत्र में लोगों के आवागमन और इस पर नियंत्रण करना, जिससे लोगों से लोगों के बीच कोरोना संक्रमण की को धीमा किया जा सके और इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक किया जा सके। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने मुहर्रम में विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर एहतियात के तौर पर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका मकसद ये था कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए कि मुहर्रम में ताजिया या जुलूस नहीं निकालेंगे। इस फ्लैग मार्च की शुरुआत मोती झील के नगर थाने से शुरू होकर तिलक मैदान तक पहुंची। सरियागंज टावर, बनारस बैंक चौक होते शहर के कई चौक चौराहों तक गई। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व SDM कुंदन कुमार कर रहे थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजपा पार्टी के द्वारा रोहतास जिले के काराकाट, कगरहर, दिनारा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस जनसंपर्क के दौरान कई जगहों पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बातचीत के दौरान राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने बताया कि जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रदेश की नीतीश सरकार को देश का सबसे विफल सरकार करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य देश की जनता की सेवा करना है। शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। आज हमारा इस काराकाट जिला रोहतास के विधानसभा में आना हुआ। यहाँ पर जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि जो हमारे खुर्शीद आलम जी हैं वो शहीद हुए हैं, तो उनको नमन करने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए आज मैं यहाँ पर आया, लेकिन लेट होने के कारण जो है आज हम वहाँ नहीं जा सके। तो जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं गांव के, उन्होंने यहाँ पर जो है गांव में बुलाकर हमें कहा कि आप गांव में आइए, तो मैं गांव में भी आया और जिस तरह का उन्होंने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं पूरे गांव के सभी युवाओं को और बुज़ुर्गों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और हम जल्दी ही जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का अभियान भी जो है शुरू करने जा रहे हैं। खटिया छाप निशान है हमारी पार्टी का और पूरा विश्वास है कि बिहार की 243 विधानसभाओं में जो है इस बार खटिया जो है बीत जाएगी विधानसभा में राजपा की और दूसरों की सबकी खटिया जो है। सीएम बिहार सरकार नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1366 वार्डो में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत में क्रियान्वित पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इसी क्रम में खड़गपुर प्रखंड के बड़की हथिया वार्ड नंबर 8 में फ्लोराइड ट्रीटमेंट वाटर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लाइव उद्घाटन करके लाभुकों से बातचीत की है। मुजफ्फरपुर में जिला समाहरणालय के सामने जन वितरण प्रणाली के डीलरों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। डीलरों ने सरकार और जिले के अधिकारियों पर अनाज के हेराफेरी का आरोप लगाया। गरीबों के राशन पर हेराफेरी का आरोप पहले से ही डीलरों पर लगते आ रहे हैं। अब तो जिला प्रशासन पर भी गरीबों के अनाज की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। क्विंटल 72 किलो मतलब जो हमको दिया गया है, जो कॉपी पर स्टॉक रजिस्टर पर चढ़ाया गया है, उससे अधिक 84 क्विंटल 72 किलो माल सब मिला जुला करके 3 क्विंटल दाल हमारे मशीन पर ज्यादा चढ़ गया। दाल तो किसी उपभोक्ता को जिले में एक छटाक तक नहीं मिला। नहीं सर, दाल मिल रहा है, रेगुलर दाल सर हम लोग दे रहे हैं, हर माह में सर हम लोग दाल दे रहे हैं। अभी चना मिला है, दाल मशीन तो कर रहा है। अभी चना मिला है, दाल शो कर रहा है मशीन। हेरा फेरी का तो प्रशासन के ऊपर से बिहार सरकार कर रही है जी।
बिहार के हाजीपुर सदर थाना इलाके के सिगदी पूर्वी गांव में स्थानीय मुखिया सुरेंद्र राय का भतीजा शहनशाह राय ने एक गरीब की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। विरोध करने पर जमीन मालिक अनिल कुमार यादव को बंदूक के बट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले को लेकर पूरे गांव में तनाव का माहौल। इसी बीच सैकड़ों ग्रामीणों ने हाजीपुर सदर थाना पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। परसा थाना इलाके के बलगांव में पानी से डूब रहे हिरण को लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए बचाया। मौके पर कई लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गंडक नदी से हिरण को बाहर निकाला और वन विभाग के अधिकारी को सूचना दी। वहीं हिरण को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हुई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। रायपुर से खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। बस्तर के नगरनाथ स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि एनएमडीसी द्वारा लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बस्तर के निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का भविष्य में शुरू होना संभावित है। खबर रायपुर से, जहां गृह मंत्री ने जेई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। केंद्र लाखों छात्रों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करने जा रही है। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री, इन्होंने कहा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन कैंपेन में भाग लेते हुए बोले गृह मंत्री, परीक्षा से छात्र के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। महामारी में सरकार का फैसला सरासर अनुचित है। इस बात की क्या गारंटी है कि कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। नमस्कार, आप सबको हमारी कांग्रेस पार्टी की और लाखों करोड़ों छात्रों के हित की बात करने जा रहा हूं, जिस पर आप ध्यान दें। हमारी केंद्र की सरकार लाखों करोड़ों छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। जेईई और एनईईटी की परीक्षा को आगे बढ़ाने का मांग है इस कोरोना संक्रमण के कारण, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि उसका समय पे करेंगे, समय आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारा मानना है और मांग है कि क्या वो सुनिश्चितता केंद्र सरकार कर सकती है, आश्वस्त कर सकती है कि किसी का जान से खिलवाड़ नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, डिस्टेंस से बचा जाएगा। लाखों लोग यात्रा करके अपने अपने प्रदेशों से कैसे आ पाएंगे, विशेषकर अभी बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति लगातार इतनी बड़ी रही है वहाँ कि अपनी अलग स्थिति है। तो लगातार आगामी जो परीक्षा है केंद्र सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। इससे केंद्र सरकार लाखों छात्रों के हित में लगातार पूछे जा रहे सवालों का उचित जवाब भी नहीं दे रही। मानसूनी तंत्र के मजबूत होने से छत्तीसगढ़ में दिनभर बरसात हुई। बुधवार रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला शुक्रवार तक चलता रहा। प्रदेश के ग्रामीण अंचल के नाले नालियों में उफान है। बेमेतरा जिले में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। देवकर के सुरही नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। बेमेतरा जिले के देवकर नगर पंचायत इलाके समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार दो दिनों तक झमाझम बरसात होती रही, जिससे अस्त व्यस्त माहौल। वहीं आपको बता दें कि देवकर के सुरही नदी पुल के ऊपर 5 फीट पानी हो चुका है। नगर के कई वार्डो में घरों में पानी घुस चुका है। आने वाले समय में कोरिया जिले के चिरमिरी में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव के बाद में इसकी स्वीकृति दी है। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र जो कोयलांचल क्षेत्र है, यहाँ इंग्लिश मीडियम के 2 स्कूल संचालित हैं। केंद्रीय विद्यालय और डीएवी के इन स्कूलों में प्राथमिकता एसईसीएल में काम करने वालों को मिलती है, जिसकी बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इंग्लिश मीडियम के दो स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय है, DAV है, लेकिन दोनों ही प्रोजेक्ट के स्कूल हैं जिसमें SEL के बच्चों को एडमिशन मिलता है। और कहीं ना कहीं जो हमारे सिविल के बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे हैं, जो मीडियोकर, जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। तो यहाँ मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि यहाँ आके देखिए। और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के, उनकी महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी ज़िले में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना है, और जो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी कंसेप्ट में आज त्रिमरी के इस जगह पे इस योजना का लाभ मिले और यहाँ जो इंग्लिश माध्यम में बच्चे। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही, भुगत रहा मरीज, मामला दिल्ली का। नरेला में पाइल्स का इलाज कराने पहुंचा था पीड़ित मरीज, इस बीमारी को ठीक तो नहीं किया बल्कि दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित हुआ मरीज। झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने के बाद में पीड़ित को कैंसर हो गया। मामले में पीड़ित मरीज ने थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। 28 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला। इलाज के दौरान पीड़ित से झोलाछाप डॉक्टर ने 20,000 रुपए लिए। 20,000 के बिल में 2,000 का डिस्काउंट देता था झोलाछाप डॉक्टर। बड़ा सवाल, कब तक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही का शिकार होते रहेंगे लोग? राजधानी में कब खत्म होगा झोलाछाप डॉक्टरों का ये काला कारोबार? मैं वहाँ पार्लर में जॉब करती हूँ और ऐसे मार्केट में आना जाना होता है कोई सामान के लिए, तो मैंने ये बोर्ड देखा था। ये बोर्ड पे लिखा है 100% गारंटी से इलाज। तो मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ दिखवाने गई थी कि क्या पता उनको बाबा सिर हो, और बाबा सिर के अगर गारंटी ले रहे हैं तो इलाज हो जाए तो ठीक हो जाए। तो मैं ये देख के गई थी वहाँ पे, पर वहाँ गई तो डॉक्टर का भी लेब अच्छा था, बेटा बेटा करके बात करते थे, मतलब बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से उन्होंने डीलिंग किया था। और ये बोले थे कि अगर 2 दिन के अंदर में इनका जो ये गांठ का वो दे रखे हैं, वो ये उन्होंने बनाए थे इस पर, मेरे हस्बैंड के जो बॉडी में दिक्कत है ये बनाए थे वो ये बता रहे हैं। ये 4 गांठ है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं 100% गारंटी से इलाज, वो लिखित में दिए हैं ये चीज़। 100% गारंटी से इलाज है, इलाज ना होने के बावजूद पैसे वापस। इतना मतलब सुनने के बाद यूँ था कि हाँ मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे मैंने बात की थी तो वो 200 रुपये लिए थे, ये है मेरे पास, ये है 200 रुपये का लिए थे वो एंट्री करने का। और इस एंट्री करने के बाद उन्होंने जब वो गांठ वगैरह देखने के बाद 20,000 रुपये मांगे थे इलाज के, 20,000 मांगे थे, जिसमें मैं बोली कि 20,000 बहुत ज़्यादा है सर, मेरे बस की नहीं है, हम गरीब इंसान हैं, बिहार से हैं और इतना नहीं हो पाएगा। ये सब सुनने के बाद वो 2,000 रुपये डिस्काउंट कर दिए थे और 18,000 में इनका इलाज हुआ था। उसके बाद ऐसे ऐसे में मेरी वाइफ मतलब कि जैसे कि कहीं नरेले में गई बोर्ड वोर्ड पे देखी, तो उसको बहुत सिर का मतलब कि दिखा, ये बोर्ड में लिखा हुआ दिखा, तो नंबर भी था, डॉक्टर से बात किया। बात करने के बाद वो मतलब मुझे ले गई वहाँ पे डॉक्टर के पास। ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला 101% गारंटी है। ग्वालियर बिलौवा थाना इलाके के हाईवे पर घटना, बाइक और ट्रक में टक्कर हुई, ट्रक ने ली 2 लोगों की जान, हादसे में 1 महिला और पुरुष की मौत। डिंडोरी में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। आपको बता दें बारिश का पानी लाखों की लागत से बनी नाली की जगह सड़कों पर बह रहा है। बारिश होने से लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस रहा है, जिसके कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन नालियों के निर्माण का उद्देश्य शहर के गंदे पानी की निकासी और मुख्य मार्ग जल भराव की स्थिति को रोकना था। लोगों का कहना है कि नालियों के निर्माण के बावजूद मार्ग में जल भराव समस्या में कोई राहत की कोई भी स्थिति नहीं है। पूरा रोड में बहता है, घर के अंदर कुछ जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां बनी हुई हैं लेकिन कोई काम की नहीं है, लाखों रुपए बर्बाद हुआ है, ना नालियों में पानी जाने का कोई साधन ही नहीं है। तो क्या लगता है नालियां व्यवस्थित रूप से बनवाई नहीं गई हैं क्या? नालियां तो ठीक बनी हैं लेकिन नाली के अंदर पानी जाने का कोई साधन नहीं है,
मतलब वो साधन बनाया नहीं गया है जिससे कि बरसात का पानी नालियों के अंदर जा सके। अगर वो बड़े बड़े छेद कर दें तो पानी नाली के अंदर जाए, नाला बन गया है, पुल बन गया है यहाँ पर मंदिर के सामने, वहाँ से पानी निकासी हो जाए पूरी रोड में। राय जी, इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।